भाई वाओ मोमेंट जो आपको पंच में नहीं मिलता। क्लस्टर की अगर बात करेंगे तो पूरा डिजिटल क्लस्टर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ये चीज हुंडई ने बहुत अच्छी शुरू करी कि भाई अब डैश कैम देना शुरू कर दिया। सेफ्टी के तौर पे ये डैश कैम होना चाहिए गाड़ी के अंदर। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल डी कॉस इन्फो पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर डी एस बिस। दोस्तों तो आज जो गाड़ी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं भैया, ये है मार्केट में नया कंपटीटर। किसका भाई, आप भी जानते हैं पंच का कंपटीटर यहां पे ह्यूंडई ने निकाला है भाई, जिसका नाम है एक्स्ट्रा। देखिए सामने से ही आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ दिखता है। तो आज बात करेंगे डिटेल से इस गाड़ी के बारे में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं डिटेल से इस गाड़ी के बारे में। तो दोस्तों जो सामने गाड़ी खड़ी है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये ह्यूंडई की न्यूली लॉन्च एक्स्ट्रा गाड़ी हमारे सामने खड़ी है। इसका SX ऑप्शनल कनेक्ट वर्जन हमारे सामने खड़ा है। अगर इस गाड़ी की एक्सशोरूम वैल्यू की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 9,34,000 रुपए का एक्सशोरूम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। और ऑन रोड आते आते ये गाड़ी आपको समथिंग अराउंड 11 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड आती है। भाई फ्रंट में खड़े तो सबसे पहले बात करेंगे इस गाड़ी की चौड़ाई की, तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी की जो ओवरऑल विड्थ देखने के लिए मिलती है वो आपको मिलती है 1710 mm की। अच्छी खासी विड्थ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। सेंटर में ह्यूंडई का साटिन फिनिशिंग में लोगो आपको देखने के लिए मिल जाता है। ग्रिल पोर्शन अगर आप देखेंगे थोड़ा सा यूनिक डिजाइन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, इससे पहले ही शायद आपने किसी गाड़ी में देखा होगा। लगता है ऐसा कि फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है या ईवी गाड़ी आपको यहाँ पे देखने में लगती है। फ्रंट पोर्शन से काफी बॉक्सी शेप यहाँ पे गाड़ी का बना रखा है, काफी अच्छे खासे लुक्स के साथ यहाँ पे ह्यूंडई ने गाड़ी निकाली है। हेडलैम्प्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर में हेलोजन हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर का पोर्शन देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग लाइट का ऑप्शन मिल जाता है एच शेप में। और नीचे यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा आप देखिए आपका जो फ्रंट का ग्रिल पोर्शन है यहाँ पे जैसे स्किड प्लेट वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको देख रहे होंगे नट बोल्ट नहीं है, खाली डिजाइन है, लेकिन इससे क्या है गाड़ी का थोड़ा सा लुक जो है रगेड लुक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। साइड पोर्शन से चलते हैं तो भाई साइड पोर्शन से गाड़ी का लुक आपको देखने के लिए कुछ इस तरीके से मिलता है। भाई बात करेंगे ओवरऑल लेंथ की तो यहाँ पे आपको 3815 mm की ओवरऑल लेंथ देखने के लिए मिल जाती है। और अगर बात करेंगे इस गाड़ी के व्हील बेस की तो 2450 mm का व्हील बेस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल हाइट की अगर बात करेंगे तो 1631 mm की ओवरऑल हाइट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। भाई ग्राउंड क्लियरेंस की बात क्यों ना हो, इंडियन सड़कों में तो 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अब भाई साइड से खड़े तो बात करेंगे टायरों की, तो भाई यहाँ पे आप टायर देखेंगे आपको डायमंड कट एलॉयज देखने के लिए मिल जाते हैं। नया यूनिक डिजाइन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है एलॉय व्हील्स में। फ्रंट में डिस्क ब्रेक आ जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपको टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है 175/65R15 का टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है। क्लैडिंग पार्ट आपको बहुत बड़ा बड़ा देखने के लिए मिल जाता है फेंडर पोर्शन में, जिससे कि गाड़ी को लुक्स और मस्कुलर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ORVM में ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको LED टर्न इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो गाड़ी के लुक्स को काफी इनहेंस करते हैं। डोर हैंडल में चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको स्मार्ट की एंट्री का बटन देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में। जो इसके B+ आते हैं वो यहाँ पे आपको मैट ब्लैक में देखने के लिए मिल जाते हैं, और जो A+ आते हैं वो भी आपको यहाँ पे मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलते हैं। रूफ रेल आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक में देखने के लिए मिल जाती है। ऊपर से सनरूफ भी आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिलता है। रियर टायर्स में यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिलते हैं। पीछे से अगर चेकआउट करते हैं तो भाई पीछे से गाड़ी का लुक आपको देखने के लिए कुछ इस तरीके से मिलता है। जैसा बॉक्सी शेप आपको इसका फ्रंट से देखने के लिए मिला था, वैसे ही बॉक्सी शेप आपको इसका रियर से भी देखने के लिए मिलता है। बड़ा सा ग्लॉसी ब्लैक का आपको स्ट्रिप देखने के लिए मिल जाती है। सेंटर में आपको ह्यूंडई का लोगो मिल जाता है। साटिन फिनिशिंग में यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरे की पोजीशन मिल जाती है। एक्स्ट्रा की बैजिंग यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको इसका वेरियंट SX देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको हेलोजन में इंडिकेटर मिल जाता है, रिवर्स लैंप आपको हेलोजन में मिलता है, और ये टेल लैंप का ऑप्शन है जो ये आपको LED में देखने के लिए मिलता है, और जो ब्रेक लाइट आती है वो आपको हेलोजन में देखने के लिए मिलती है। इस गाड़ी में खास बात क्या है कि इसमें आपको स्टैंडर्ड फीचर से 6 एयरबैग देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको वाइपर, डिफॉगर, वॉशर, पीछे से इसमें आपको 2 पॉइंट्स में पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। स्किड प्लेट का ऑप्शन आपको वैसे ही मिलता है जैसा आपने फ्रंट में देखा था, वही नट बोल्ट जैसा डिजाइन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है भाई गाड़ी में। बूट को ओपन करते हैं, भाई बूट में क्या क्या चीज आपको देखने के लिए मिलती है, तो भाई बूट आपको गाड़ी का देखने के लिए कुछ इस तरीके से मिलता है। डेप्थ में आपको देखने के लिए मिलता है, अगर बूट स्पेस की बात करेंगे तो 391 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको बूट लैंप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। स्टेपनी का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलती है स्टील व्हील रिम में आपको स्टेपनी देखने के लिए मिलती है, और ये एक साइज आपको कम मिलती है, यानी 14 इंच का टायर प्रोफाइल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको बूट में पार्शियल ट्रे का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। और बात करेंगे अगर रियर सीट्स की तो ये आपकी पूरी बेंच फोल्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। बूट को करते हैं बंद,
को ड्राइवर साइड चलते हैं तो भाई को ड्राइवर साइड गाड़ी का लुक देखने के लिए आपको कुछ इस तरीके से मिलता है भाई। यहाँ पे आपको केवल क्या मिलता है, इसका फ्यूल टैंक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है। तो भाई ओवरऑल एक्सटीरियर तो हुआ कवर, चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर देख लेते हैं इंटीरियर में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। तो चलिए डोर को करते हैं अनलॉक। तो भाई जैसे ही डोर खोलते हैं तो डोर पैनल देखेंगे पूरा ब्लैकआउट में यहाँ पे आपको डोर पैनल देखने के लिए मिल जाता है। हार्ड प्लास्टिक पूरा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग के बटन, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल ओआरवीएम के फंक्शंस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। डोर हैंडल आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। बॉटल होल्डर स्पेस यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आपको मैगजीन पॉकेट वगैरह भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो आपको स्पीकर्स की प्लेसिंग देखने के लिए मिल जाएगी। इंटीरियर गाड़ी का देखने के लिए कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। सीट्स आपको फैब्रिक मिक्स लेदराइट में आपको देखने के लिए मिल जाती है। प्लस यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक में सीट हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन, फ्यूल टैंक का लिड ओपन करने का ऑप्शन यहाँ से आ जाता है। हुड ओपन करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन और यहाँ पे आपको व्यू बटन मिल जाता है भाई कैमरे का। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है जिसके आउटर में आपको साटन फिनिशिंग का वर्क देखने के लिए मिलता है। एसी वेंट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जिसके आउटर में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे पियानो फिनिश का वर्क देखने के लिए मिलता है। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर एक बार बैठ के देखते हैं भाई कैसा फील होता है। ओहो, दरवाजा करते हैं बंद। तो भाई मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ। अगर बात करेंगे स्टेयरिंग व्हील की तो यहाँ पे आपको राउंड में स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा, लेदर रैप में देखने के लिए मिलता है। प्लस यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स, वॉइस कमांड के फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड में आपको क्लस्टर के कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल के फंक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ बात करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में इसके वाइपर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं और राइट हैंड साइड में आपको इसके हेडलैम्प और इंडिकेटर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं जो आपको ऑटो में देखने के लिए मिलते हैं। स्टेयरिंग व्हील की अगर वैसे बात करते तो आपको ओनली टिल्ट एडजस्टेबल में देखने के लिए मिलता है, टेलीस्कोपिक यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। क्लस्टर की अगर बात तो पूरा डिजिटल क्लस्टर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है गाड़ी का कुछ इस तरीके से। और इसको आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, जैसे देखिए आपका डायरेक्शंस का आपको चीजें दिखा रहा है, कई सारी चीजें दिखाता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी यहाँ पे आपको गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है भाई कुछ इस तरीके से। करंट ट्रिप है, कई सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलती है। फ्यूल का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, टेम्परेचर का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साइज देखेंगे तो काफी अच्छा खासा साइज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरी चीज अच्छी क्या लगती है कि भाई यहाँ पे आप देखिए ये पूरा पियानो फिनिश आपको देखने के लिए मिलता है जो गाड़ी के लुक्स को कहीं ना कहीं एनहेंस करता है। म्यूजिक सिस्टम की बात करेंगे तो 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है गाड़ी में, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले देखने के लिए मिलता है। उससे नीचे आपको एसी वेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हेड लैम्प का बटन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एसी कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो आपको ऑटो क्लाइमेटिक कंट्रोल एसी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट आ जाता है और यहाँ पे आपको टाइप सी यूएसबी पोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा। सेंटर में आप देखेंगे तो आपको यूएसबी पोर्ट भी मिलता है, प्लस आपको 12 वोल्ट का अडैप्टर सॉकेट भी देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे 5 स्पीड ट्रांसमिशन में यहाँ पे आपको गियर नॉब देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको स्मूथ फिनिशिंग में प्लास्टिक देखने के लिए मिल जाता है जो कहीं ना कहीं गाड़ी के लुक्स को एनहेंस करता है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक की प्लेसिंग आ जाती है। यहाँ पे भी एक स्पेस आ जाता है जिसमें आप अपना कुछ भी कॉइन वगैरह कैरी कर सकते हैं। ग्लोब बॉक्स की बात करेंगे तो भाई ग्लोब बॉक्स यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। कूल ग्लोब बॉक्स ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल जाता है और एडिशनल जिसमें आप अपना फोन वगैरह कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्टेबल आईआरएम का फंक्शन देखने को मिल जाएगा, एसओएस, रोड साइड असिस्टेंट और ये बी कनेक्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इस गाड़ी में आपको एलेक्सा भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको रीडिंग लैंप का ऑप्शन हाइलोजन में मिल जाएगा। भाई वाओ मोमेंट जो आपको पंच में नहीं मिलता वो आपको इसमें मिल जाता है भाई एक्स्टर में। यहाँ पे आपको सनरूफ का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल जाएगा काफी बड़ा बड़ा। भाई इस गाड़ी में एक और खास चीज है भाई, यहाँ पे आपको ना ये देखिए डैश कैम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जिसकी डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। ये आपका फ्रंट और रियर दोनों कवर करता है भाई, यानी गाड़ी के अंदर का भी कवर करेगा और आपका आगे का भी कवर करेगा और पूरा एचडी क्वालिटी में ये आपको भाई कवर करता है। ये चीज हुंडई ने बहुत अच्छी शुरू करी कि भाई अब डैश कैम देना शुरू कर दिया। सेफ्टी के तौर पर ये डैश कैम होना चाहिए गाड़ी के अंदर। बात करते हैं हेडरूम स्पेस की, तो भाई इस गाड़ी में जो हेडरूम स्पेस मिलता है ना वो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है, काफी अच्छा खासा मिलता है। कुशनिंग आपको गाड़ी की काफी अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट भी आपको काफी अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बात करेंगे विजिबिलिटी की तो विजिबिलिटी भी आपके यहाँ पे गाड़ी में काफी अच्छी खासी देखने के लिए बनती है। तो भाई ये तो था कुछ इसका फ्रंट का, अब बात कर लेते हैं इसकी रियर सीट्स की, देख लेते हैं रियर सीट्स में क्या क्या चीज आपको देखने के लिए मिलती है। तो चलिए चलते हैं पीछे की तरफ। तो भाई जैसे ही हम पीछे का डोर खोलते हैं सेम वैसा ही पैटर्न आपको मिलता है जैसा आपने फ्रंट डोर देखा था। यहाँ पे वही हार्ड प्लास्टिक, पावर विंडो का स्विच, डोर हैंडल यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसिंग, बॉटल होल्डर स्पेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। रियर से देखने में आपकी गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके से आता है भाई। देखेंगे तो यहाँ पे आपको अंडर थाई सपोर्ट देखने में काफी अच्छा खासा मिलता है। टिल्टेड पोजीशन भी आपकी गाड़ी की काफी अच्छी खासी यहाँ पे मिलती है। चलिए बैठ के देखते हैं एक बार गाड़ी के अंदर, दरवाजा करते हैं बंद।
तो भाई गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ। अगर बात करेंगे भाई लेग रूम स्पेस की, जबरदस्त मिल रहा है, नी रूम स्पेस भी जबरदस्त मिल रहा है, थाई सपोर्ट देखिए जैसे मैंने कहा काफी अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। मैगजीन पॉकेट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है गाड़ी के पीछे, को ड्राइवर साइड के पीछे, लेकिन आपको मैगजीन पॉकेट देखने के लिए मिल जाएगी। जो फ्रंट के हेडरेस आते हैं भाई ये एडजस्टेबल नहीं आते हैं, लेकिन जो रियर के हेडरेस आपको मिलते हैं भाई वो दोनों एडजस्टेबल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। कोई भी आर्मरेस्ट की प्लेसिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। सेंटर में यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपको कोट हैंगर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट देखने को मिल जाता है, जिसका कंट्रोलर भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। पीछे से अगर आप चेकआउट करेंगे तो 12 वोल्ट का अडैप्टर सॉकेट भी आपको देखने के लिए मिलता है। स्पेस वाइज काफी अच्छा खासा मिल जाता है, सिटिंग पोर्शन भी आपका काफी अच्छा खासा हो जाता है भाई ये देखिए। अगर बात करेंगे सिटिंग पोर्शन की, काफी टिल्टेड पोजीशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, कुशनिंग भी ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाती है, हेडरूम स्पेस भी यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है गाड़ी के अंदर। मतलब अगर आप इस गाड़ी में तीन लोग भी बैठेंगे तो आप इसमें इजिली बैठ सकते हैं, इतना शोल्डर रूम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई ये तो था कुछ इसका रियर सीट का। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन वे में, जान लेते हैं इंजन में क्या क्या चीज आपको देखने के लिए मिलती है। तो चलिए चलते हैं इंजन की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूं इसके इंजन सेगमेंट में। अगर इंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप 1.2 लीटर में फोर सिलेंडर कापा पेट्रोल BS6 फेज 2 इंजन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करेंगे यहाँ पे पावर की तो यहाँ पे आपको 82 bhp की पावर देखने के लिए मिल जाती है। और अगर टॉर्क की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 113.8 न्यूटनमीटर का टॉर्क यहाँ पे गाड़ी निकाल के देती है। माइलेज की अगर बात करेंगे तो कंपनी जो यहाँ पे क्लेम करती है वो 19.4 kmpl का माइलेज यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है। ब्रेकिंग्स में आपको ABS EBD ये गाड़ी प्रोवाइड करा देती है। और ट्रैक्शन में अगर बात करेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ESP जैसे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं गाड़ी में। वारंटी की बात करेंगे तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कराती है अपने इंजन की। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंजन, अब कर लेते हैं एक फाइनल वॉक अराउंड। तो दोस्तों हमने बात करी इस एक्स्ट्रा गाड़ी के बारे में, जो हमारे सामने मॉडल खड़ा है इसका, ये SX ऑप्शनल कनेक्ट वर्जन हमारे सामने खड़ा है। अगर एक्सोरूम वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पे आपको ये 9,32,000 रुपए का एक्सोरूम देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी। और ऑन रोड आते आते ये गाड़ी आपको समथिंग अराउंड 11 लाख रुपए के आसपास आपको ऑन रोड पड़ती है। भाई इस गाड़ी में आपको तमाम सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे अच्छा फीचर मुझे इस गाड़ी में क्या लगा कि भाई वो आपको मिलता है यहाँ पे अंदर से डैश कैम, जो काफी सेफ्टी वाला काम यहाँ पे करता है। और स्टैंडर्ड मॉडल से ही आपको इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और कम्पिटिटर से बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, आपको सनरूफ मिल जाता है और डैश कैम जैसे फीचर्स यहाँ पे आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों ये गाड़ी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो मेरे चैनल में न्यू व्यूवर्स हो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि उनको ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।